अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मैकेनिक डिज़ाइनिंग। तो आज हम कैटिया सॉफ्टवेयर पर एनर्जी सेवर डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम एनर्जी सेवर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरेटर शेप मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच पे जाएंगे और यहाँ पर एक सर्कल लगा लेंगे। उसका रेडियस हम 30 मिलीमीटर रख देते हैं। एग्जिट बेंच करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की कमांड की मदद से सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लगा लेते हैं। अब पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट के ऊपर हेलिक्स की कमांड अप्लाई करेंगे। जेड एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और इसी तरह बिल्कुल सेम तरीका दूसरे पॉइंट पर भी यही। अब कनेक्ट कर्व की कमांड की मदद से इन दोनों हेलिक्स की कमांड के पॉइंट को आपस में मिला देंगे। आप पॉइंट की कमांड लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू हम -15 कर देते हैं। और एक्स एक्सिस में 15 मिलीमीटर कर देते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर जेड में भी -15 और एक्स में भी -15 कर देते हैं वैल्यू इसकी। अब इन पॉइंट्स के ऊपर लाइन की कमांड अप्लाई करते हैं और इन पर एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन की लेंथ हम 5 मिलीमीटर रख देते हैं जेड एक्सिस में, ओके कर देंगे और इसी तरह दूसरे पॉइंट पर भी इसी तरह एक लाइन लगा लेंगे। अब कनेक्ट कर्व की कमांड की मदद से इनको आपस में मिला देंगे और यहाँ पर एक कर्व बना लेंगे। और इसी तरह बिल्कुल दूसरे पॉइंट पर भी इसी तरह एक कर्व लगाएंगे। हम ज्वाइन कर सकते हैं तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस कर्व के ऊपर प्लेन अप्लाई करते हैं तो प्लेन टाइप हम नॉर्मल टू कर्व सेलेक्ट की और इस पॉइंट के ऊपर एक प्लेन लगा लिया और यहाँ पर अब इस पॉइंट के ऊपर हम एक सर्कल की कमांड लेकर यहाँ पे एक सर्कल लगा लेते हैं। उसका रेडियस हम 5 मिलीमीटर कर देते हैं। अब स्वीप की कमांड यूज करके हम इस हेलिक्स की कमांड के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं।
अब इस सर्कल को सिलेक्ट करके प्रोजेक्शन की कमांड अप्लाई करते हुए इस प्लेन के ऊपर इसको प्रोजेक्शन कर देते हैं। और इसके बाद इस सर्कल को एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई करके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ पर इस सर्कल को पहले फिल कर लेते हैं। अब स्प्लिट की कमांड यूज़ करके इसको अंदर से खाली कर देते हैं। अब यहाँ पर वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच पे चले जाते हैं। और यहाँ पर एक प्रोजेक्शन की कमांड अप्लाई करके इसके ऊपर लाइनें लगा लेते हैं। अब यहाँ पर एक कर्व की कमांड लेकर यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं। तो इसका रेडियस हम 30 मिलीमीटर रख देते हैं, ओके कर देंगे। और यहाँ पर एक सेंटर में एक्सिस बना लेंगे, एक्सिस लाइन लगाएंगे और ट्रिम की कमांड की मदद से इसको हाफ काट देंगे। अब इन लाइंस को कंस्ट्रक्शन लाइन में तब्दील कर देते हैं, एग्जिट बेंच करेंगे। यहाँ पर रिवॉल्व की कमांड यूज़ करके इसको रिवॉल्व कर देंगे। तो एंगल हम 360 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक प्लेन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नए एक्सिस लगा लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। एक्स और जेड प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच पे चले जाते हैं। और यहाँ पर एक सर्कल की कमांड लेकर सर्कल लगा लेते हैं। इसका रेडियस हम 30 मिलीमीटर रख देते हैं, एग्जिट बेंच करेंगे। और आप इस सर्कल को एक्सट्रूड कर देंगे। अब स्प्लिट की कमांड यूज़ करके इसको अंदर से काट देंगे। अब फिल की कमांड यूज़ करके यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं।
यहाँ पर हम सेक्शन की कमांड की मदद से इसको अंदर से देख भी सकते हैं। अब यहाँ एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लगा लेते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हेलिक्स की कमांड इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। पार्ट मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर थिकनेस की कमांड लेकर सरफेस को थिकनेस दे देते हैं। तो इस तरह से हम टोटल बॉडी को थिकनेस दे देते हैं। तो हम थिकनेस इसकी इनसाइड रखते हैं और 1 मिलीमीटर रख देते हैं। अब टूल पे जाकर पॉइंट्स को हाइड कर देंगे। स्केच और इसके ऊपर सरफेस को भी हाइड कर दिया हमने। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम एक प्लेन लगा लेते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक सर्कल लगा लेते हैं। अब रिब की कमांड यूज करते हुए इस हेलिक्स कमांड के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे, इस सर्कल को बिल्कुल स्वीप कमांड की तरह। तो इस तरह ये एनर्जी सेवर पर थ्रेड्स बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब टूल पर जाकर एक्स्ट्रा लाइन प्लेन्स और स्केच को हाइड कर देंगे।
तो इस तरह से ही आपको एक एनर्जी सेवर डिज़ाइन हुआ नज़र आ रहा है। अब मटेरियल की कमांड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर कोई भी मटेरियल, कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पेंटिंग में पेंटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी कलर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको एक एनर्जी सेवर डिज़ाइन हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।